जिंदगी इस कहावत की तरह सिर्फ 4 दिन की होती तो कितना अच्छा होता। शायद हम अपनों के साथ कुछ खास पल सुकून से बिताते। दुनिया भर से सुनती आई हूँ, सब्र रखो, सही वक्त आने पर सब कुछ अच्छा होगा। बाबा कहानी सुनाओ ना बाबा, बाबा कहानी सुना दो ना बाबा, बाबा सुनाओ ना। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हरी क्या हुआ? ये देखो कुछ कहते नहीं दिख रहे सारे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा, यूं ही हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकते हम। हमारे हाथ में कुछ होता तो अब तक हम वही भी कर चुके होते। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमने कुछ किया है। और यह भी पता है शायद हमारे हाथ में ही है सब कुछ। जैसे चाचा क्या है हमारे हाथ में? जैसे शायद चुप हैं अभी तक हम। ये नदी मोड़ दी गई, हमारी जमीन तोड़ दी गई, और अब क्या बाकी है? कुछ भी नहीं, बस अब धीरे धीरे मरने का इंतजार करते हैं। इतनी आसान मौत? अभी जो घुट घुट कर मर रहे हैं वो काफी नहीं है? कहना क्या चाहते हो चाचा? कह तो बहुत कुछ लिया, आवाज पहुंचती ही नहीं, न हमारे नेताओं तक, न देवी देवताओं तक। ठीक है चाचा, अगर आप यही चाहते हो तो यही सही। कल शाम की गाड़ी से हम दिल्ली चलेंगे। अब वापस या तो विजय को आएंगे या तो अमर।
बेटा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा। बेटा इसका ध्यान रखना। क्या समझू माँ, क्या समझू, यही कि घर में बैठा रहूं, भगवान की माला जपता रहूं, यही चाहती है तू? इन बच्चों को देख माँ, क्या इन बच्चों को हक नहीं है नए कपड़े पहनने का, नए खिलौनों से खेलने का? आज भी जब इन बच्चों को देखता हूँ माँ, तो मुझे मेरे बचपन की याद आती है, उस बच्चे की याद आती है जिसके सर से बाप का साया उठ गया हो। तू यही चाहती है कि हमारा सारा हक रईस बाबू को ही जाए, इनके ही बच्चे नए कपड़े पहने, नए खिलौनों से खेले? इन रईस बाबुओं की पगार तो सही समय पे आ जाती है माँ, लेकिन हम लाइन में लगकर धक्के खाकर अपने अनाज को बेचते हैं, लेकिन उसकी कीमत आकी जाती है 3 महीने बाद। ओले आज गिरते हैं लेकिन मुआवजा मिलता है 6 महीने बाद, वो भी आधा आधा तो जयराम जी करके इन रईस बाबुओं को देना पड़ता है। आज मत रोक माँ मुझे, आज मत रोक माँ, मैं दिल्ली जाऊँगा, मैं नहीं रुकूंगा आज, मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ। आशीर्वाद दे माँ। जीना इसी का नाम है। आखिर जिंदगी हमें कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है जहां हमें उसके सामने झुकना ही पड़ता है, चाहे हम वहां सही हों या गलत। मगर पीछे हटना या बिना कोई कदम उठाए हार मान जाना भी तो सही नहीं। और किसी ने सच ही कहा है, जीना इसी का नाम है। हर वो दरवाजे पर दस्तक दी, हर वो कागजों को भरा गया, मगर शायद जब तक वो पन्ना सरकारी टेबलों पे पलटता, स्याही बिखर चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी और वक्त बस अब थम सा गया था। किसानों ने उस बांध के विरोध में उससे कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कहकर कायर कह रहे हैं शहरी लोगों ने, मगर मेरे लिए वे शहीद हुए हैं किसी जवान की तरह, जो अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खा लेता है। सुना है कल बांध का उद्घाटन है, मंत्री जी आएंगे, बड़ा सारा नाच गाना भी होगा, इसलिए किसानों की लाशें वहां से हटा दी गई हैं और खून को उसी मिट्टी में मिला दिया गया है जहां से वह आया था। शायद बापू सही कहते थे, जय जवान जय किसान का नारा बस मात्र एक नारा है, ना नेताओं को हमसे हमदर्दी है, ना भगवान की हमसे कोई चिंता। घर अंधेरा हो गया है, दिन गया है ढल, घर अंधेरा हो गया है, दिन गया है ढल, कोई नहीं तेरा यहाँ पर, कोई नहीं तेरा यहाँ पर, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। आ
उन्होंने तुझसे फिर किया है छल। आज उन अपनों ने तुझसे फिर किया है छल। कोई नहीं तेरा यहाँ पर, कोई नहीं तेरा यहाँ पर, चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल।